नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बोलूँगा ये नींबू का प्लांट पे फूल कैसा आ सकता है। बहुत ज़रा फूल ये देखिए दिख रहा है, ये फूल, ये फ्लावर आया है, इतना सारा फ्लावर आया है, कितना देखिए, बहुत सारा फ्लावर आया है। यहाँ भी फ्लावर आया है, यहाँ भी फ्लावर आया है, ये भी तो नींबू धरा है। ये 8 इंची का पॉट में ये प्लांट ग्रो हुआ है। ये 8 इंची का पॉट में ये प्लांट साइज देखिए। तो मैंने फ्लावर कैसे आना ये आपका साथ आज बात करूँगा। तो चलिए शुरू करता है। देखिए फ्लावर, देखिए इसका फ्लावर, देखिए बहुत सारा फ्लावर आया है, बहुत सारा, और छोटा छोटा पत्ते भी आ रहा है, दिख रहा है आप, बहुत सारे फ्लावर आए। तो मैंने इस प्लांट पर, तो मैंने इस प्लांट को फ्लावर आने के लिए जो एक्स्ट्रा यूज़ करा है वो है आपका डीएपी यूज़ करा है, जो मिलता है ना फर्टिलाइज़र का दुकान में काला काला, वो मैंने यूज़ करा है। बहुत लोग बोलता है जे नींबू का पेंट में डीएपी मत यूज़ करो, बट हमने अभी तो जून मास है ना, मैं इसको जनवरी मास पे डीएपी दे रहा था बारी बारी से 15 डेज आने तक, बस जो मई मास में मैं छोड़ दिया डीएपी देने, क्योंकि मई मास पे इसको फूल आने थे तो मैंने ये डीएपी देना बंद कर दिया, इसीलिए इतना सारा फ्लावर आया है, इतना सारा सिर्फ डीएपी यूज़ करने पे ये फ्लावर आता है। और जो नींबू है ना, इसका साथ मीठा करने के लिए जो बहुत टॉक है, बहुत स्वादिष्ट नहीं है, स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने ये आपका जो पोटास यूज़ करा है थोड़ा, ये नींबू का साइज बनाने के लिए, और साइज तो मैंने ये यूज़ करा। तो फ्लावर आने के लिए ओनली डीएपी यूज़ करना, और जब फ्लावर आने आ जाएगा तो एक चीज आप फ्लावर पे दे सकता है वो है मिराकुलान, जो फर्टिलाइज़र का शॉप में मिलता है। मैं दिखा रहा हूँ मिराकुलन कैसा दिखता है। तो बोलता है ना मिराकुलन यूज़ करता हो, ये है मिराकुलन जो मैंने यूज़ करा फ्लावर आने के बाद 1 लीटर जल पे 1 मिली 15 डेज बाद मैंने यूज़ करा, और ये फ्लावर झड़ेगा नहीं, ये यूज़ करने के बाद ये फ्लावर एकदम नहीं झड़ेगा। प्लांट का ग्रोथ देखिए, मिराकुलन यूज़ करने के बाद प्लांट का ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छे से हुआ। तो ऐसे आप यूज़ करने तक बहुत सारा फ्लावर और बहुत सारा फ्रूट आप देख रहे हैं पा जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।